dear students in this topic we shall discuss osmoregulation in marine animals the marine invertebrates and primitive chordates that is ascidians have body fluids which are isoosmotic to seawater their osmolarity that is overall concentration of the body fluids as well as the plasma concentration of individual ions are similar to the seawater. So they need not expend any energy in regulating the osmolarity of their body fluids. In marine vertebrates, hagfishes have an iso osmotic plasma concentration. However, they regulate concentration of individual ions. Is in ke jo individual ions hai, unki concentration sea water ke milti. They regulate various ions and maintain blood, calcium, magnesium, and sulfate ion concentration significantly lower as compared to the concentration of these ions in seawater. इसी तरह से ये सोडियम और क्लोराइड आयंस की कंसेंट्रेशन को बॉडी में सी वॉटर से ज्यादा लेवल के ऊपर मेंटेन करते हैं कार्टिलेजनियस फिशेस जो के मरीन इन्वायरमेंट में ही रहती हैं इनमें इनका जो प्लाज्मा है दैट इज आल्सो आइसोटोनिक टू सी वॉटर लेकिन ये इनका जो आ, मेंट प्रोड्यूस करने का तरीका है वो हैग फिशेस से मुख्तलिफ है इनऑर्गेनिक आइंस के लेवल को ज्यादा रखती हैं लेकिन शार्क्स रेज और स्केट्स जो है ये इनऑर्गेनिक आइंस के लेवल को लोअर लेवल पर रखती है खासतौर के ऊपर सोडियम और कलोराइड के लेवल को क्योंकि ये सोडियम क्लोराइड को बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करती हैं थ्रू देयर किडनीज एंड थ्रू देयर रेक्टल ग्लैंड नौ जब साल को एक्सक्रीट कर दिया तो बॉडी को आइसोटोनिक लेवल पर कैसे मेंटेन करते हैं इट इज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक ऑस्मोलाइट यानी के यूरिया और ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड जो के बॉडी uh, में जो बॉडी के फ्लूड्स हैं उनमें मौजूद होते हैं और बॉडी की आसमोलैरिटी को सी लेवल के बराबर रखते हैं हाएवर यूरिया के लेवल को बॉडी में हाई रखना दैट इज ए टॉक्सिक सब्सटेंस। हाउ इज इट पॉसिबल बिकॉज इट डी नेचर्स प्रोटीन और इस मकसद के लिए इनके साथ जो बराबर में दूसरा कंपाउंड है ट्राईमिथाइल अमाइन ऑक्साइड वो एक्चुअली यूरिया के टॉक्सिक इफेक्ट्स को बैलेंस करता है बिकॉज इट स्टेबलाइजेज प्रिवेंट्स देम टू बिकम डी ने स्टूडेंट नाउ वी शैल डिस्कस दस्मोरेगुलेशन इन मेरीन मॉडर्न बोनीफिशेज दैट इज टीलियोस्ट टीलियोस्ट की बॉडी में जो फ्लूड्स हैं उनकी ऑस्मोलैरिटी को सी वाटर के मुकाबले में कम यानी कि हाइपोटोनिक लेवल पर मेंटेन किया जाता है इस वजह से टीलियोस फिशेज हैव ए टेंडेंसी टू तो लूज वाटर स्पेशली अक्रॉस देअर गिल एपिथीलियम। टू तो रिप्लेनिश दिस लॉस्ट वाटर टे ड्रिंक सी वाटर लेकिन सी वाटर जो है उसमें तो साल्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं इसलिए देयर बॉडीज फ्लडेड विद एक्सेस साल्ट्स सो दे हैव टू एलिमिनेट दीस एक्सेस साल्ट्स सोडियम क्लोराइड एंड पोटेशियम आइंस आर एलिमिनेटेड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट थ्रू दी गिल्स जबकि कैल्शियम मैग्नेशियम और सल्फेट आयंस को ये अपने किडनीज के थ्रू यूरिन में एक्सक्रीट करती हैं इनका यूरिन आइसोटोनिक होता है ब्लड के हिसाब से बट इट इज रिच इन सॉल्ट एज ए रिजल्ट ऑफ कंबाइंड एक्शन ऑफ गिल्स एंड किडनीज दस्मोटिक बैलेंस ऑफ वॉटर एंड आइंस इन मेरीन टोस्ट इज अचीव